हेलो दोस्तों, मोबिलोग्राफी के इस नए एपिसोड में आप सबका स्वागत है। तो जैसा कि हमारी एडिटिंग के ऊपर सीरीज चल रही है, उसमें हम सीख रहे थे क्रॉपिंग के बारे में और काफ़ी कुछ आप लोगों ने जाना, समझा, हमें फीडबैक भी दिया। हम इसके लिए आपके शुक्रगुजार हैं। ये एपिसोड भी क्रॉपिंग के ऊपर ही है। फोटोग्राफी करने के लिए, फोटोग्राफ को सबके सामने अच्छे से प्रस्तुत करने के लिए एडिटिंग बहुत ज़रूरी है। क्रॉपिंग उसका बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। और अब आप जानेंगे क्रॉपिंग के बारे में कुछ और। तो साथियों, एडिटिंग के इस आखिरी एपिसोड में, जिसमें कि हम बात कर रहे थे क्रॉपिंग के ऊपर, इसमें एक जरूरी चीज हमने देखी थी। कुछ एस्पेक्ट रेशियोज हमको दिखे थे, और ये एस्पेक्ट रेशियोज को यूं भी समझ लीजिए कि जैसे आपको ध्यान होगा, फोटोग्राफ्स जब हम प्रिंट करवाते हैं, जो फिजिकल फोटोग्राफ हमारे पास होते हैं, वो अलग अलग साइजेस में मिलते थे। अभी भी करवाए जाते हैं 4x6, 6x8, 5x7, और भी बड़े साइजेस होते हैं। तो ये साइजेस क्या हैं, और हमने जो एस्पेक्ट रेशियो देखे वो क्या है, ये भी वही चीज है। अच्छी बात आज के जमाने में ये है कि चीजों को समझने के लिए हम गूगल का सहारा भी ले सकते हैं, और काफी सारी इंफॉर्मेशन हमको मिल जाती है इन प्लेटफॉर्म्स पे, गूगल की वेबसाइट्स पे। आपको जहां भी कंफ्यूजन हो, आप इन साइट्स पे चले जाएं। जैसे कि एस्पेक्ट रेशियो की हम बात करते हैं, तो अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे फोटोग्राफ्स को अलग अलग तरीके से पोस्ट करने के लिए अलग अलग एस्पेक्ट रेशियो वो यूज करते हैं। बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म, या शायद सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म सोशल मीडिया पे जो है, वो फेसबुक है। और फेसबुक का ये जो डायमेंशंस, जिस तरीके से एस्पेक्ट रेशियो को वो इस्तेमाल करते हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। ये जानकारी भी गूगल से उठाई हुई है, डिटेल में आपको मिल जाएगी। थोड़ा ब्रीफ मैं कर देता हूँ। अगर आप लैंडस्केप वीडियो को देखेंगे तो वो 16:9 उसमें चलता है, और ये अगर आप रेशो इसको समझेंगे पिक्सल्स की भाषा में, तो ये 1920x1080 होगा। स्टोरी सेक्शन जो है वो 9:16 है, 1080x1920 ये पिक्सल्स रहेगा। लैंडस्केप इमेज जो है उसके डायमेंशन रहेंगे 1.9:1, यानी ये होगा 1200x630 pixels। स्क्वायर इमेज जहां पे आती है, और वीडियो डायमेंशंस में भी ये चलता है 1:1। लैंडस्केप और पोर्ट्रेट के लिए जो मिनिमम विड्थ चाहिए है, वो चाहिए है 600 pixels की। दूसरा एक और बड़ा प्लेटफॉर्म फेसबुक का हिस्सा है, जो है इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम पे भी हम समझ लेते हैं कि ये पिक्चर्स किस तरीके से काम करते हैं। यहाँ पे जो आप लैंडस्केप डालते हैं वो है 1.91:1, यस 1080x608 pixels ये लेता है। स्टोरीज जो होती हैं वो 9:16 है, 1080x1920 pixels। पोर्ट्रेट डायमेंशन जो है वो है 4:5। स्क्वायर डायमेंशन 1:1, यस वो होता ही है। और जो IGTV है, इंस्टाग्राम टीवी जो है, वो है 16:9, 1920x1080 pixel। इसका अर्थ ये हुआ कि यदि आपको पिक्चर्स डालने हैं और आप चाहते हैं कि पिक्चर्स वहां पे प्रॉपरली दिखें, जैसे आप चाह रहे हैं दिखना वो वहां पे वैसे ही दिखे, तो आपको उस एस्पेक्ट रेशियो का इस्तेमाल करना पड़ेगा। उन डायमेंशंस के थ्रू ही वहां पे एंट्री लेनी पड़ेगी, तो ही आप पिक्चर को वैसा दिखा पाएंगे। नहीं तो पता चला कि जो विड्थ है वो कट रही है, या जो हाइट आप दे रहे हैं वो कट रही है। तो आपको इन सब का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा अगर आप चाहते हैं कि आपकी पिक्चर्स की रीच बढ़े और प्रोफेशनल लुक आए। लिंक्डइन की बात कर लेते हैं। लिंक्डइन भी एक बड़ा प्लेटफॉर्म है, तो इसमें जो लैंडस्केप वीडियो हैं वो 16:9 रेशो में ही मिलते हैं। और स्क्वायर वीडियो, यस 1:1। और मैक्सिमम इमेज डायमेंशन जो है यहाँ पे वो 3:2 है, 1104x736। ट्विटर
कि बहुत गजब की रीच है, और ट्विटर पे अगर आप फोटोज डालना चाहते हैं तो फिर बहुत ही कॉमन सा एस्पेक्ट रेशियो जो वहां पे चलता है वो है 2:1। लैंडस्केप वीडियो के डायमेंशन है 1280x720 यानी 16:9, स्क्वायर 1:1, पिक्सल्स बता दूं मैं 1024x1024। मैक्सिमम इमेज डायमेंशन जो है वो 2:1 है, मिनिमम इमेज डायमेंशन जो है वो भी 2:1 ही है। YouTube, यस, ये वीडियो जहां पर आ रहा है YouTube, यहां पे क्या सिस्टम है? YouTube के बारे में थोड़ा सा और समझ लेते हैं। 16:9 में ये काम करता है। स्टैंडर्ड डायमेंशन इसका 16:9 है, मिनिमम डायमेंशन भी इसका 16:9 है, और जो मिनिमम HD डायमेंशन है, अब आप HD अगर वीडियो डाल रहे हैं और HD अगर आप डायमेंशन आपको लेना रहेगा तो वो रहेगा 16:9, मगर पिक्सल्स उसमें बढ़ जाते हैं वो 1280x720 लेता है। मिनिमम डायमेंशन में वो 426x240 लेता है। ओके, पिंटरेस्ट भी एक बहुत बड़ा सेगमेंट है, प्लेटफॉर्म है, और यहाँ पे जो वीडियो के डायमेंशन है वो 1:1 है, 600x600 ये लेते हैं। पोर्ट्रेट वीडियो में 600x900 लेते हैं, दैट इज 2:3, और इमेज डायमेंशन जो है वो भी है 2:3। टिकटॉक और स्नैपचैट, स्नैपचैट अभी यूज होता है, टिकटॉक तो इंडिया में बैंड है। इसमें जो एस्पेक्ट रेशियो चलते हैं समझने वाली बात यह है कि सोशल मीडिया लगातार अपने आप को बदलता जा रहा है, अपग्रेड होता है, मॉडिफाई होता है, तो इन चीजों का ध्यान रखते हुए ही आपको चीजें, आपको पिक्चर्स अपलोड करने हैं, आपको और दूसरी जो भी चीजें करनी है सब इनको ध्यान में रखते हुए ही करनी है। और अब हम आ जाते हैं जो सबसे एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जिसके बारे में हम बात करना चाह ही रहे थे बहुत पहले से, आज उसका दिन आ गया। क्रॉपिंग में ही आपको दिखता है कि आपका पिक्चर जो है वो टिल्टेड है। अब ये जो टिल्टेड टेढ़े जो पिक्चर होते हैं, और स्पेशली ये जो होराइजन होते हैं, इन होराइजन में बहुत इशू आ जाते हैं। जैसे अभी आप फोटोग्राफ देख रहे हैं, एक ग्राउंड है, उसमें गेम चल रहा है, ओके वेल एंड गुड, यहां तक तो ठीक है, मगर अब साथ में दिख ही रहा है कि होराइजन जो है वो टेढ़ा है, क्षितिज जो है वो टेढ़ा है। फोटोग्राफी में कभी भी होराइजन को टेढ़ा नहीं रखा जाता और ऑब्जेक्ट्स को सीधा रखा जाता है। हम जैसे दुनिया को देखते हैं बिल्कुल कैमरा भी वैसा ही देखता है, और उसको आप वैसा ही दिखाइए। अगर ये इस किस्म के जो फोटोग्राफ हैं टिल्टेड, अगर ये टिल्टेड फोटोग्राफ आ जाते हैं तो ये मत बोलिए कि हमने ऐसा ही खींचा, आपको ऐसा नहीं खींचना है, आपको उसको थोड़ा सा चेंज करते जाना है, ठीक करते जाना है। तो ये जो टिल्टेड फोटोग्राफ है, इस टिल्टेड फोटोग्राफ अगर आपने ले लिया तो सबसे पहले तो आप सीधा फोटोग्राफ एक ले लीजिए, बेस्ट तो यही होगा, अच्छा फोटोग्राफर यही करेगा, गलती हो गई उसको कैमरे में ही ठीक कर लिया। परंतु यदि बाद में आपने देखा कि फोटो लिया था मगर वो टिल्टेड है, तो प्लीज उसको ठीक कीजिए। ठीक कैसे करना है, तो फिर से एडिट ऑप्शन में जाना है, जो नीचे सेकंड ऑप्शन दिख रहा है वो एडिट का है, एडिट में गए, ये पिक्चर पे आए, क्रॉप सेक्शन में गए। अगर ये क्रॉप सेक्शन आप में, आपके जो मोबाइल में किसी अलग नाम से भी हो सकता नाम नहीं भी लिखा हो, कुछ भी मेंशन नहीं हो, मगर वो क्रॉप वहां पे होता ही है, आप एडिट सेक्शन में जाइए आपको मिलेगा। अब मेरे मोबाइल में जैसे कि आप ये जो बीच का हिस्सा देख रहे हैं, यहाँ पे आपको कुछ दिख रहा है, इसमें देखिए जो सबसे राइट में एक रोटेट करने वाला ऑप्शन है,
आप किसी भी पिक्चर को रोटेट करने के लिए कैसे कर सकते हैं, ये इस तरीके से रोटेट होता है। तो कभी भी अगर पिक्चर आपको वैसा मिल जाए जो कि आपको लगे कि इसको रोटेशन की जरूरत है, तो प्लीज इसको घुमा लीजिए, ये ऐसा घूम जाएगा। अब ये पिक्चर को मुझे करना है सीधा, क्योंकि मैं सामने देख पा रहा हूं जो हॉराइजन है वो है टेढ़ा, इसको सीधा करना है। तो मैं क्या करूंगा, मैं वो बीच में जो येलो मार्क दिख रहा है इसको टच करूंगा और इसको ये मैंने घुमाया और ये मैंने इसको कर लिया थोड़ा सा सीधा। ये देखिए ये सीधा हो चुका है, दिख रहा है। जैसे ही हम पिक्चर को कर रहे होते हैं तो ये देखिए ये जजमेंट के लिए यहाँ पे ये आपको मार्क्स दिख रहे हैं, ग्राफिक मार्क्स, ये जो लाइंस हैं और ये जो कटिंग है ये आपको रेफरेंस देंगी कि किस तरीके से आप इसको सीधा कर सकते हैं प्रॉपरली। जैसे मान लीजिए मैं फिर से इसको करता हूँ, अभी देखिए ये रेफरेंस के लिए यहाँ पे ये मार्क्स आ गए हैं, लाइंस हैं, आप इनके जरिए अपने पिक्चर को प्रॉपरली सीधा कर सकते हैं। ओके, ये मेरे हिसाब से ये मेरा जजमेंट है और मैंने इसको सीधा कर लिया है। और मैं इसको हाथ को हटाता हूँ, अब ये मुझे दिखा रहा है कि ओके यस ये हो चुका है। मगर जब भी आप इसको सीधा करने चलेंगे तो ये कॉर्नर से थोड़ा थोड़ा कटता जाएगा, ये रिसाइज होगा। तो इसको कर लिए प्रॉपरली, थोड़ा सा क्रॉप, लेफ्ट से थोड़ा सा इसको कट किया, राइट से थोड़ा सा कट किया, अनवांटेड इंफॉर्मेशन हटाई, मुझे चाहिए सूर्य और ये जो गेम चल रहा है मैं इसको फाइनल कंपोजिशन दे रहा हूं, ये मेरा कंपोजिशन है। ये क्रॉपिंग के डिटेल जो आपने जाने हैं इसको आप प्लीज अच्छे से अपने फोटोग्राफी में, अपने एडिटिंग में शामिल कीजिए। थोड़ी थोड़ी सी ये मेहनत आपके फोटोग्राफ्स को कई गुना सुंदर और कई गुना अच्छा बना देगी। जब भी आप इसे सोशल मीडिया पे पोस्ट करेंगे, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करेंगे या किसी भी कॉम्पिटिशन में भेजेंगे तो सब जगह वाहवाही होगी। तो तैयार हो जाइए अच्छे फोटोग्राफर बनने के लिए, बने रहिए हमारे साथ, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, इसके बारे में बात कीजिए, ये जो ट्यूटोरियल है आपका फीडबैक भी प्लीज़ हमें दीजिए, इसके बिना तो हमारा आगे बढ़ना संभव ही नहीं है। तो प्लीज़ बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू, हैप्पी क्लिकिंग।